इन दिस आर्टिकल वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर क्लासिकल लैंग्वेजेज ऑफ इंडिया एंड व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर क्लासिकल लैंग्वेज, लिस्ट ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज. सो लेट्स डिस्कस द इशू. द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड क्लासिकल स्टडीज फॉर फाइव मोर लैंग्वेजेज अर्लियर दिस मंथ, मराठी, बंगाली, आसामीज, पाली एंड प्राकृत. इस मंथ के स्टार्टिंग में यूनियन कैबिनेट ने फाइव मोर लैंग्वेजेज को क्लासिकल स्टेटस दिया है, और ये फाइव लैंग्वेज हैं मराठी, बंगाली, आसामीज, पाली एंड प्राकृत. न्यू स्टेटस विल प्रोटेक्ट एंड एनहांस हिस्टोरिक रिसर्च, लिटरेरी ट्रांसलेशंस एंड द मॉडर्न फील्ड ऑफ दीज लैंग्वेज. अभी जो ये इन पांच लैंग्वेजेज को क्लासिकल स्टेटस दिया गया है, क्लासिकल स्टेटस दिए जाने की वजह से इन लैंग्वेज का जो हिस्टोरिक रिसर्च है, लिटरेरी ट्रांसलेशंस हैं, मॉडर्न फील्ड ऑफ दिस लैंग्वेज को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, इनहांस किया जा सकता है. व्हाट मेक्स अ लैंग्वेज क्लासिकल? क्लासिकल लैंग्वेज हैव बीन कंसिडर्ड एज दोज विच एन एंशियंट एंड इंडिपेंडेंट लिटरेरी ट्रेडिशन. क्लासिकल लैंग्वेज किसी भी उस लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज कंसिडर किया जा सकता है जब वो कुछ पैरामीटर्स को फुलफिल करती है. वो लैंग्वेज एंशियंट होना चाहिए एंड इंडिपेंडेंट लिटरेरी ट्रेडिशन उसका होना चाहिए. दे आर ऑफन नॉट इन यूज एज स्पोकन लैंग्वेज सच एज लैटिन एंड संस्कृत और आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम दियर मॉडर्न वर्जन्स. लैंग्वेज को ऐसा हो सकता है कि जिस लैंग्वेज को क्लासिकल स्टेटस दिया गया है वो स्पोकन लैंग्वेज के रूप में उसका यूज करंट में नहीं किया जा रहा हो, जिस तरह से लैटिन एंड संस्कृत लैंग्वेज है. करंट में हम इसको स्पीकिंग के लिए यूज नहीं करते हैं, बट इनका जो इफेक्ट है इन लैंग्वेज का वो ट्रेडिशनल लिटरेरी सोर्स पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है. सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेज. क्लासिकल लैंग्वेज का क्या क्या कैरेक्टर हो सकते हैं? हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस उसका होना चाहिए. क्लासिकल लैंग्वेजेज आर ऑफन रिकग्नाइज फॉर दियर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस. एंशेंट लिटरेचर उस लैंग्वेज में रिटन होने चाहिए. क्लासिकल लैंग्वेज हैव अ लार्ज बॉडी ऑफ एंशेंट रिटन लिटरेचर. इंडिपेंडेंट लिटरेरी ट्रेडिशन उसका होना चाहिए. कल्चरल हेरिटेज. दिस लैंग्वेज आर ऑफन एसोसिएटेड विद अ रिच कल्चरल हेरिटेज. इन लैंग्वेज का कल्चरल हेरिटेज होना चाहिए. नो लॉन्गर स्पोकन. मैनी क्लासिकल लैंग्वेज आर नो स्पोकन एज नेटिव लैंग्वेज. क्लासिकल लैंग्वेज जो होती हैं जिन्हें क्लासिकल स्टेटस दिया गया है करंट में वो स्पोकन नहीं होना चाहिए. इन्फ्लुएंस ऑन मॉडर्न लैंग्वेज. इन लैंग्वेज का मॉडर्न लैंग्वेज पर एक ग्रेट इन्फ्लुएंस होना चाहिए. तो ये कुछ कैरेक्टर हैं क्लासिकल लैंग्वेजेस के. लैंग्वेज विद गिवन क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस. करंट में इंडिया के अंदर कितनी लैंग्वेज हैं जिन्हें क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस दिया गया है? टोटल नंबर ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज टू 11. करंट में इंडिया की 11 लैंग्वेजेस को क्लासिकल स्टेटस दिया गया है. अर्लियर देयर वर 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया. देवर तमिल, संस्कृत, ओडिया, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम. इससे पहले 6 क्लासिकल लैंग्वेज इंडिया के अंदर थे, तमिल, संस्कृत, ओडिया, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम. कैबिनेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड इंक्लूजन ऑफ फाइव मोर इंडियन लैंग्वेजेस, मराठी, प्राकृत, पाली, बंगाली एंड आसामी इन टू दिस लिस्ट. करंट में कैबिनेट ने फाइव मोर लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज के अंडर अप्रूव किया है, जिसमें मराठी, प्राकृत, पाली, बंगाली एंड आसामीज आती है. सेवरल बेनिफिट्स टू अ क्लासिकल लैंग्वेज. क्लासिकल लैंग्वेज अगर किसी लैंग्वेज को ये स्टेटस दे दिया जाता है तो उस लैंग्वेज के लिए क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं? व्हेन अ लैंग्वेज इज गिवन क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस इट रिसीव सेवरल बेनिफिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट टू प्रमोट इट्स स्टडी. किसी लैंग्वेज को अगर क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दे दिया जाता है तो इस लैंग्वेज के थ्रू सेवरल बेनिफिट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से उसको प्रमोट करने के लिए दिए जाते हैं. सच एज इंटरनेशनल अवार्ड आर गिवन. 2 एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड्स आर गिवन टू स्कॉलर्स ऑफ द लैंग्वेज. इस लैंग्वेज के स्कॉलर को 2 एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड दिए जाते हैं. अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इज एस्टेब्लिश फॉर स्टडीज इन द लैंग्वेज. अगर किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस दे दिया जाता है तो उसके लिए, उसकी स्टडी के लिए एक सेंटर ओपन किया जाता है स्टडी के लिए. प्रोफेशनल चेयर. द UGC इज एनकरेज टू क्रिएट प्रोफेशनल चेयर्स इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज टू सपोर्ट रिसर्च एंड एजुकेशन इन द लैंग्वेज. अगर किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जाता है तो उस लैंग्वेज को सपोर्ट करने के लिए, उसके रिसर्च के लिए UGC को एनकरेज किया जाता है कि वो उसके लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में
प्रोविजन करें उसको सपोर्ट करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, द रिकॉग्निशन ऑफ द लैंग्वेज क्रिएट्स जॉब अपॉर्चुनिटीज इन एकेडमिक एंड रिसर्च एरिया। अगर किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस दिया जाता है तो इसकी वजह से जॉब क्रिएशन हो सकता है इन एकेडमिक्स एंड रिसर्च एरिया। प्रिजर्वेशन ऑफ एंशेंट टेक्स्ट, द प्रिजर्वेशन डॉक्यूमेंटेशन एंड डिजिटाइजेशन ऑफ एंशेंट टेक्स्ट ऑफ द लैंग्वेज क्रिएट जॉब इन ट्रांसलेशन एंड आर्काइविंग पब्लिशिंग एंड डिजिटल मीडिया। एंशेंट टेक्स्ट का जो जो टेक्स्ट इस लैंग्वेज से रिलेटेड है, जिसको क्लासिकल स्टेटस दिया गया है, उस लैंग्वेज से रिलेटेड टेक्स्ट का प्रिजर्वेशन यहाँ पर इजी हो जाता है, डॉक्यूमेंटेशन को बूस्ट किया जाता है। और इस लैंग्वेज से रिलेटेड जितने भी एंशेंट टेक्स्ट हैं उनको डिजिटाइजेशन किया सकता है, ट्रांसलेशन किया सकता है, आर्काइविंग पब्लिशिंग एंड डिजिटल मीडिया के थ्रू इसका पब्लिशिंग कराया जाता है।